आइए बच्चों ध्यान से देखिए, ये जेई मेन 2023 मतलब इसी वर्ष का आया हुआ क्वेश्चन है, जस्ट आपको एक वीक पहले एग्जाम हुआ है और ये दिया है और इसका मिनिमम वैल्यू बताना है। कोशिश हम लोग करेंगे तो 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर लेंगे, लेकिन आइए हम लोग धीरे धीरे सीखते हैं, धीरे धीरे सीखिए। क्या दिया है भाई, एक फंक्शन है, तो आपको मैंने ट्रिक बताया होगा बहुत पहले, क्या बताया था जो लोग भूल गए होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए एक बार फिर से आप लोग उस ट्रिक को सीख लीजिए। ध्यान से देखिए, क्या मैंने बताया था, मिनिमम वैल्यू यदि ये ए पॉजिटिव है तो मिनिमम वैल्यू का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है माइनस डी अपॉन फोर ए। कितना होता है भाई, माइनस डी अपॉन फोर ए। डी कितना होता है जी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो माइनस से कीजिएगा तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस, तो इसका मिनिमम वैल्यू निकल गया। तो कितना मिनिमम वैल्यू आया, और मान लीजिए कि ये तो मिनिमम निकला, मतलब ये वाई का वैल्यू निकला, अब पूछ देगा किस एक्स पर, तो वो भी आप लोगों को बताए थे माइनस बी बाई टू ए। कितना बताए थे जी, माइनस बी बाई टू ए। तो ये बच्चा क्लास का क्वेश्चन है, इसका मिनिमम कितना हो जाएगा कर लीजिए, ए का वैल्यू इसका वन है, बी का वैल्यू माइनस वन है और सी इक्वल टू वन है, तो कितना हो गया जी, फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर अपॉन फोर ए। देख लीजिए, दिक्कत नहीं है, फोर माइनस वन थ्री अपॉन फोर, ये क्लियर हो गया कि इसका मिनिमम वैल्यू हो गया थ्री अपॉन फोर। एनी डाउट, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक और तरीका होता है, इसको होल स्क्वायर पर सेट कर लीजिएगा ना, नहीं समझ पा रहा है, ऐसे तो ये तरीका बहुत आसान है, एक और तरीका होता है, देख लीजिए, इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस वन बाई टू का होल स्क्वायर, क्लियर है, तो ये हो जाएगा वन बाई फोर, इधर हो जाएगा थ्री बाई फोर। तो इसका मिनिमम निकालना है तो ये कितना हो जाएगा, जीरो। अरे भाई होल स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू कितना, जीरो, तो कितना हो गया जी, फिर भी आ गया थ्री बाई फोर और डायरेक्ट फॉर्मूला से भी आया कितना जी, थ्री बाई फोर। तो इसको हम लोग इतना भी लिख सकते हैं, एक्स माइनस वन बाई टू का होल स्क्वायर प्लस थ्री बाई फोर। तो या तो ऐसे निकालिए डायरेक्ट फॉर्मूला से, या ऐसे भी निकालिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्लियर हो गया कि इसका मिनिमम वैल्यू कितना जी, इसका थ्री बाई फोर, मॉडुलस है, लेकिन ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर। क्या दिया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका हो जाएगा जीरो, तो थ्री बाई फोर और जीरो, तो कितना हो गया जी, थ्री बाई फोर। तो इस क्वेश्चन का मिनिमम वैल्यू हो गया थ्री अपॉन फोर, एंसर तो हो गया। आइए कुछ इस पर बहस कर लेते हैं, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिएगा ये ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला मैंने जीरो क्यों लिखा, ऐसे तो आप लोग जानते ही होंगे, ये मेरा मिला, इसका मिनिमम कितना मिला, जिसका मिनिमम मिला थ्री बाई फोर, क्लियर है। अब ध्यान दीजिए, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर है और सेम यही है, तो थ्री बाई फोर का मतलब होता है 0.75। अब 0.75 से वन तक कुछ भी रखिएगा इसमें, 0.99 भी रखिएगा तो जीरो ही आएगा, 0.87 भी रखिएगा तो जीरो ही आएगा, अब 0.89 भी रखिएगा तो जीरो ही आएगा। इंटीजर का वैल्यू क्या होता है जी, 0.89 भी रखिएगा तो जीरो आएगा, 0.99 भी रखिएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर तो क्या होगा, जीरो आएगा। हाँ, वन के बाद रखिएगा, वन से टू तक रखिएगा तो वन आ जाएगा। तो हमको मिनिमम बताना था, तो मिनिमम क्लियर है कि इसका इतना का मिनिमम जीरो से तो छोटा नहीं होगा, तो इसका मतलब इसका मिनिमम जीरो हो गया।
इसका तो मालूम है 3/4, तो 3/4 में 0 को ऐड कर दीजिएगा तो 3/4। ये बच्चा क्लास का क्वेश्चन जेई में 2023 में आया हुआ है। आई होप दैट सॉल्यूशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो और क्वेश्चंस को जेई मेन में आए हुए क्वेश्चंस को हम लोग सोल्व करेंगे, तो आइए और हम लोग मिलकर बहुत सारे क्वेश्चंस को सोल्व करते जाएंगे, बहुत सारे थ्योरी को हम लोग पढ़ते रहेंगे। आप लोग जुड़े रहिए। ओके, थैंक यू।